सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम फिर से खेले GTA 5। तो भाई फ्रैंकलिन पिछली बार मतलब एक बेलास गैंग के बंदे को उठा के आया था, जिसे नहीं देखा देख के और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मैं तब का घर के अंदर नहीं गया हूँ, अभी जा रहा हूँ घर के अंदर, यार थक गया हूँ ब्रो। तो भाई चलो घर के अंदर चलता हूँ, बहुत ही थक चुका हूँ यार। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करने लगा प्लीज़ यार, ऐसा मत करो। तो यार भाई ये रात हो चुकी है और दिन भी हो चुका है। और ये फ्रैंकलिन की आंटी है, और ये सब क्या कर रहे हैं यहाँ पे, पार्टी शार्टी कर रहे हैं यार। भाई क्या शोर मचा के रखा है यार, शांति से जीने तो दो हमें, मतलब मुझे। क्या आवाज़ कर रहे हो? तो इसकी आंटी बोल रही है कि मैं जो करना चाहती हूँ वो कर सकती हूँ। तो ये घर फ्रैंकलिन का भी है, सिर्फ आपका नहीं है, ठीक है? तो भाई इनके साथ मगजमारी करने से अच्छा है कि मैं ही घर के बाहर चला जाता हूँ। तो चलो मैं निकलता हूँ यहाँ से। तो भाई घर के बाहर निकलते ही लमार और उसका एक दोस्त आ चुके, मतलब हमारा दोस्त है वो भी। लेकिन भाई फ्रैंकलिन को आपको मालूम होगा कि किसी से बनती नहीं है, क्योंकि उसे ग्रीन गैंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो चलो मैं इनसे बातचीत कर लेता हूँ कि क्या काम है। तो बातचीत करके मिलता हूँ मैं आपको। तो बातचीत के दौरान ये कह रहा है कि हमें बेलास गैंग के बंदे से मिलने जाना है और वहाँ पे वॉर भी हो सकती है। तो चलो हम चलते हैं, लेकिन मैं इसकी खटारा गाड़ी के अंदर नहीं जाने वाला हूँ, मैं अपनी खुद की कार लेके आऊँगा। भाई रुको मैं आता हूँ। तो हमारे गैरेज में एक स्पेशल कार पड़ी हुई है, और ये रही भाई वो स्पेशल कार। तो स्पेशली फ्रैंकलिन ने चलाने के लिए ली थी। तो भाई ये कार लेके हम जाएंगे, क्योंकि ये वो खटारा कार में हमें मज़ा नहीं आता, कि पूरा प्लानिंग के साथ चलना पड़ता है भाई, जैसे तैसे लोग के साथ नहीं जा सकता हूँ मैं। तो ठीक है चलो मैं मेरी गैंगस्टर माफिया वाली कार लेके निकलता हूँ। भाई सच्ची सच्ची बताना ये कार आपको कैसी लग रही है, कॉमेंट में बताना यार, मुझे तो बहुत ही तगड़ी वाली लग रही है भाई। तो चलो एक काम करता हूँ, मैं सीधा पहुँचता हूँ अब एम्यूनेशन की शॉप पे। तो मैं बिल्कुल पास में ही जाना था, तो हम पहुंच चुके हैं एम्यूनेशन की शॉप पे। भाई मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे मालूम नहीं है भाई, कोई बार मैं नींद में होता हूँ बहुत ही ज़्यादा वाला, भाई कुछ भी बोलता हूँ यार। तो चलो अंदर जाके हम कुछ सामान खरीद लेते हैं, मतलब हमें कुछ नहीं खरीदना, हमारे पास सारी की सारी गन्स है। लेकिन फिर भी भाई शॉर्ट गन पर हमें सिर्फ और सिर्फ एक फ्लैश लाइट लगानी है भाई। भाई फ्लैश लाइट के लिए मुझे इस एम्यूनेशन क्या बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ मैं भाई, एम्यूनेशन की शॉप के अंदर बेच दिया है भाई। भाई अब मुझे लगता है कि मुझे गेम प्ले के साथ साथ मिप्स लगाने पड़ेंगे, क्योंकि भाई मैं इतना भी मतलब क्या बोलता हूँ मुझे भी नहीं मालूम पड़ता है। तो चलो हमने फ्लैश लाइट लगा ली है, अब हम निकलते हैं सीधा यहाँ से बाहर। भाई मुझे कोई काम नहीं इधर, भाई कितनी बार करूँ यार, हो गया ना, चल टाटा। तो भाई इसका काम तो तमाम कर दिया है हमने। भाई तेरे को कुछ देना है? नहीं तो निकलना भाई साइड में, तुझे मालूम है कि फ्रैंकलिन कौन है भाई, जैसे तैसे बंदा नहीं हूँ मैं, इसीलिए ये मेरे पास आए क्योंकि उनको मालूम है जब भी झड़ने भाई यार क्या हो रहा है, झगड़ने का टाइम आएगा तो फ्रैंकलिन ही काम लगेगा। भाई मुझे लगता है कि मेरा ध्यान कहीं और है, क्योंकि भाई मैं क्या बोल रहा हूँ यार, सारे के सारे शब्द मतलब सारे के सारे वर्ड्स को शब्द, भाई मैं आज बहुत ही शुद्ध भाषा बोलने वाला हूँ भाई, ठीक है? तो भाई मेरी शुद्ध भाषा के अंदर सारे के सारे शब्द आते हैं, शब्द ही बोलते, क्या बोलते हैं यार, भाई कोई भी बोलते हैं, कोई बात नहीं। तो चलो मैं पहुँचता हूँ सीधा लोकेशन पे। भाई ये गाड़ी हमारी जा रही है बिल्कुल मक्खन की तरह भाई। तो भाई कार को पकाते पकाते हम पहुंचने वाले लोकेशन पे, और भाई ये कार है हमारी ऑफ रोड वाली, तो भाई थोड़ा तो कुछ करतब दिखाना पड़ेगा ना। तो भाई हम ऑफ रोड करके जाएंगे सीधा लोकेशन पे, और ये गेट तोड़ी और हम पहुंच चुके हैं बिल्कुल लोकेशन पे। आगे जाना है कि पीछे जाना है भाई? भाई नहीं पीछे जाना है भाई, मेरी कार मतलब इतनी अच्छी वाली आ चुकी है कि मज़ा आ रहा है भाई चलाने का। तो भाई पहुंच चुके हैं हम लोकेशन पे भाई, तो हमें जाना है अब सीधे के सीधा अंदर। और भाई देखो मैं किसी को छोड़ने वाला नहीं, कोई भी इंसान हो, लेकिन आज उनकी मतलब मौत है, समझ रहे हो, दुश्मनों को हम आज मारने वाले हैं। तो चल भाई फ्रैंकलिन क्यों खड़ा है इधर अकेला भाई, इसको क्या मज़ा आ रहा है? अब भाई दौड़ जल्दी से भाग, क्योंकि आगे जाके हमें तबाही मचानी है। और समझ लो यार आज तो मैं पूरा का पूरा रॉकी भाई बनने वाला हूँ भाई। सलाम रॉकी भाई। भाई थोड़ा बेसुरो हो जाता है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सह लेना भाई और सब्सक्राइब भी कर लेना भाई। और ये रहा वो बेलास गैंग वाला बंदा। तो भाई बातचीत ख़त्म करते हैं। तो भाई हम बिल्कुल बातचीत कर रहे थे, और इतनी देर में इनकी गैंग के मेंबर्स आ चुके। तो भाई समझ लो इसने हमें धोखा दिया है भाई,
और भाई इसने गन निकाली और दिया पट्टा से हेडशॉट भाई। तो अब होगा बिल्कुल गैंग वॉर, मतलब बेलास गैंग के साथ हम वॉर करने वाले हैं और मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला हूँ, क्योंकि ये सारे के सारे चिल्लर मेरा क्या बिगाड़ लेंगे, उन्हें मालूम भी नहीं कि मैं कौन हूँ। और हमने पूरा का पूरा प्लान पहले से बना लिया था, क्योंकि हमें मालूम था कि ऐसी कोई ना कोई चीज़ होगी जिससे प्रॉब्लम होगा, इसलिए हमने सारी की सारी गन्स और तैयारी कर ली थी। और ये देखो यार, लमार पे बॉम्ब फोड़ दिया। अब साले तेरे को किसी को नहीं छोड़ने वाला हूँ मैं, आ जाओ जितने में हिम्मत हो वो आ जाओ सामने। अभी तो मैंने मेरी सारी गन नहीं निकाली, समझ रहे हो, सिंपल वाली गन निकाली है। अगर मैंने अपनी स्पेशल गन्स निकाल ली तो ये लोग यहाँ पे खड़े भी नहीं हो पाएंगे, ठीक है। और मैं बॉम्ब का भी यूज़ नहीं कर सकता और मुझे यहाँ पे कंट्रोल नहीं हो रहा है, मैं सबको डायरेक्टली ख़त्म करूँगा। तो लमार ठीक है आ गया तू, तो चलो मारते हैं अब हम सीधा इनको, क्योंकि मैं अकेला तो नहीं जा सकता हूँ भाई, अगर फ्रैंकलिन को मार दिया तो कहाँ पे जाएंगे हम। तो भाई आ जाओ जितना हो इतना, मतलब इन्होंने क्या प्लानिंग की है भाई बिल्कुल अंधेरे के अंदर, और फ्रैंकलिन को भी पता था इसलिए ये सब फ्लैश और सब लगा दिया था गन्स के अंदर। और दरवाज़ा हमने खोल लिया है और भाई यहाँ पे पहले से सारे के सारे बंदे सेट होके रखे, लेकिन मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ, मेरी गन बिल्कुल टोटली अनलिमिटेड एमओ वाली है, तो मैं सारी की सारी एमओ इन पे ही खर्च करने वाला हूँ। आ जाओ जितने में भी हिम्मत हो वो सामने आ जाओ, और तू भाई मरा नहीं है, अगर नहीं मरा है तो भी ख़त्म करूँगा मैं, किसी को नहीं छोड़ने वाला हूँ। और फ्रैंकलिन साहब ने सबको ख़त्म कर लिया है, तो भाई अब हमें जाना है सीधा बाहर। तो भाई अभी भी यहाँ पे बंदे हैं और पुलिस हमारे पीछे लग चुकी है, और लमार और उसका दोस्त भी आ चुका है हमारे साथ, तो हमें यहाँ से एस्केप करना है भाई। तो भाई देखो मैं कहीं से भी एस्केप तो कर लूँगा, क्योंकि मुझे पहले से मालूम था कि पुलिस को कोई भी हो लेकिन हमारे पीछे बिल्कुल पड़ेगी। और ये हेलीकॉप्टर मैंने फोड़ दिया है, तो जल्दी से भागो भाई। भाई देखो मुझे मालूम था ऐसा कुछ होने वाला है, इसलिए मैंने पहले से ही सारी की सारी चीज़ों का इंतज़ाम कर लिया था, तो मैं जल्दी से भागता हूँ यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे हम खड़े नहीं रह सकते हैं। तो भाई जल्दी से भागो, हमारी कार पीछे ही खड़ी है, क्योंकि मैंने पहले से ही कार को मंगवा दिया था कि भाई फ्रैंकलिन है उसे सारी की सारी चीज़ें मालूम होती है, क्योंकि वो काम करता है माइकल के साथ, और माइकल को सारी चीज़ मालूम होती है क्योंकि उसी ने फ्रैंकलिन को रेडी किया है, समझ रहे हो, क्योंकि फ्रैंकलिन को ही वो ही सिखाता है सारे का सारा काम। तो भाई वो रही हमारी फुल्ली आर्मर्ड कार। तो भाई पुलिस वालों ने मतलब पहले से ही यहाँ पे हो गए थे, मतलब क्या है यार, भाई पुलिस वालों को कैसे पता चला लेकिन कि हम यहाँ पे हैं। तो भाई चलो हम कार के अंदर बैठते हैं, और भाई ये कार चल नहीं रही है क्यों भाई, यहाँ पे बहुत सारे कॉप्स आ चुके हैं और ये पुलिस वाले हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे, और ये कार नहीं चल रही है, मतलब ये कार बिल्कुल बेकार हो चुकी है, पता नहीं किसने, कोई मतलब कोई इंसान ने तो इसके साथ छेड़खानी की है जिससे कार काम की नहीं रही है। तो हम इसको बिल्कुल फोड़ देंगे, और भाई अब पुलिस वालों से यहीं पे लड़ना पड़ेगा हमें। तो आ जाओ भाई, सारे के सारे बंदों को हम ख़त्म करेंगे। तो पुलिस वालों तो क्या हो गया भाई, हमने कोई गुंडों को ही मारा है, कोई अच्छे इंसानों को तो नहीं मारा था, लेकिन कोई बात नहीं है, गैंग वॉर में जीत तो हमारी हुई, सारे के सारे बेलास गैंग के मेंबर्स, मतलब इतने नहीं है लेकिन जितने थे उतने को हमने मार दिया है। तो क्या करूँ, ये गन का यूज़ करूँ या नहीं, लेकिन स्टिकी बॉम्ब से मैं इसको ज़रूर उड़ा दूंगा भाई। और भाई फ्रैंकलिन को मालूम ही था कि ऐसा कुछ होने वाला है, इसलिए भाई हमने एक कार नहीं दो दो कार बैकअप के ली थी। और ये देखो स्पेशल गन हमारी निकल चुकी है, और सबको फोड़ दूंगा, और हमारी स्पेशल मतलब सेकंड वाली कार लेके अब हम निकल जाएंगे यहाँ से भाई। तो भाई देखो सारे के सारे पुलिस वालों को हमने फोड़ दिया है, हम पीछे छुप गए थे यहाँ पे, और पुलिस वाले तो चले गए, और मैं इस कार को फोड़ूंगा। और फ्रैंकलिन ने दूसरी कार यहीं पे लगवा के रखी थी पीछे, जिसका किसी को मालूम ही नहीं था भाई, मतलब आप सोच भी सकते हो फ्रैंकलिन को पहले से कैसे मालूम था भाई, मतलब वो है बिल्कुल अच्छा वाला बिजनेसमैन। तो भाई ठोक दी गाड़ी, कोई बात नहीं, फुली आर्मर्ड कार है तो इस कार को फोड़ना था इसीलिए भाई। तो चलो भाई अब हम भागते हैं, लेकिन इस कार को तो फोड़ के जाऊंगा, इसका पेट्रोल लीक हो चुका है, तो भाई बिल्कुल इस पर गोलियां चलाने वाला हूँ मैं, और इसको ख़त्म करके ही जाएंगे। तो भाई कार पे आग लग चुकी है, और भाई पुलिस का भी पीछा हमसे कब का छूट चुका है, क्योंकि हम यहाँ पे छिप गए थे,
और ये पुलिस की गाड़ी थी सामने तो ठोक दी और वो कार भी फूट चुकी है। ठीक है, तो अब सीधा पहुँचते हैं हम हमारे घर पे, क्योंकि हमारा काम हो चुका है बिल्कुल सक्सेसफुल, हमें बेलास गैंग छू भी नहीं पाई। तो कार को पकड़ते पकड़ते मैं पहुँचने वाला हूँ अपने घर पे, और मैं बिल्कुल मैं पहुँच चुका हूँ अपने घर पे, मतलब आगे निकल चुका हूँ। तो भाई बस हो चुका है हमारा काम, मतलब हमने काम तमाम किया है बेलास गैंग वालों का, सारे के सारे नहीं लेकिन थोड़े बहुत मेंबर्स को हमने मार दिया है। और वह फ्रैंकलिन को चोटें तो लगी है लेकिन वो पुलिस वालों से लगी है, बाकी बेलास गैंग के मेंबर हमें छू भी नहीं पाए थे। ठीक है, तो होता है चलो भाई निकलो अब दूसरी बार मेरे पास आना है, ठीक है, ऐसा काम लेके आ जाते हो कहीं पे से, निकलो साले, पूरा का पूरा मार दिया मेरे को ऐसे ही। तो भाई देखो आज हमने बेलास गैंग के साथ वॉर की और वॉर में हम जीत गए, और पुलिस वालों के कारण हमने थोड़ी बहुत गोलियां लग चुकी है, कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत तो चोटें आती है लेकिन हमने फुल आर्मर पहना था इसलिए कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। और भाई बस आज की ये छोटी सी वीडियो, मतलब छोटी सी नहीं है बड़ी है, फिर भी आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी और कौन सी वीडियो देखना चाहोगे, और चैनल पर नहीं होगे मालूम है भाई तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो के साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।